हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अंशी कुमारी है मैंने पैंसठवीं वी पी में छिहत्तरवीं रैंक हासिल की है आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वी के एक साल की स्ट्रैटी डिस्कस करूंगी एक साल की स्ट्रैटजी में सबसे पहले हमें मेंस पे फोकस करना होगा आप मेंस पे फोकस करें और मेन्स की तैयारी करने टाइम नोट मेकिंग अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सारे रिसोर्सेज को दोबारा से पलट के रिवाइज करें आप नोट मेकिंग करें और उसको एक फ़ाइल में लगाते चले जाएं फिर अगर प्रलिम्स के दो महीने पहले आपको प्रिलिम्स पर फोकस करना है प्रलिम्स के लिए टच सीरीज लगाएं एंड घटना चक्र करें प्रीवियस ईयर जिसके आते हैं सारे स्टेट पी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करके प्रिलिम्स पर आपको दो महीने टाइम देना है प्रिलिम्स क्लियर होने के बाद एंड मेन्स के पहले जो टाइम बचता है उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें जो भी टाइम है पर डे कम से कम एक पेपर आप जरूर सॉल्व करें तीन घंटे का फिर आंसर मेंस क्लियर होने के बाद उसके बाद आप इंटरव्यू इंटरव्यू पे फोकस करें बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो तैयारी करने के टाइम नॉलेज गेन करने पे फोकस करते हैं हमें ज्ञाता नहीं बनना है ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए हमें सिलेक्शन चाहिए निशाना अर्जुन की तरह मछली की आँख पर होना चाहिए तो इसलिए आप अपना फोकस एग्जाम क्वालिफाई करने पर लगाएँ ज़्यादा इधर उधर नॉलेज गेन करने की तरफ ना भटकें तो अब हम आ जाते हैं बी पी एस सी मेन्स के पेपर की तरफ बीपीएससी मेंस में चार पेपर होते हैं जीएस वन जी टू ऑप्शनल एंड एक लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी का जो कि क्वालिफाइंग होता है इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते आपका रैंक डिसाइड होगा जी एस वन एंड ऑप्शनल पे उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की इसके लिए पिछले पांच साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पर और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के के लिए हमारी ऐप धन्यवाद। एस वन में सेक्शन वन होता है हिस्ट्री का सेक्शन टू होता है करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन का एंड सेक्शन थ्री होता है स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए रिसोर्सेज वही हैं स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको एंड एन पढ़नी है एंड बिहार हिस्ट्री के लिए आपको Uh, बिहार हिस्ट्री के लिए मैं अगेन यही कहूँगी कि मुझे स्टैंडर्ड रिसोर्स मिला नहीं लेकिन आप रेफर करने के लिए बिहार समग्र एंड इम्तियाज़ अहमद पढ़ सकते हैं एंड नॉलेज गेन करने की uh, करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे देने हैं आप प्रीवियस ईयर उठाएं और हर हर एक क्वेश्चन का आपको नोट्स बना लेना है फॉर एग्जांपल अगर आपको पटना कलम का नोट्स बनाना है तो आपको पटना कलम का मुझे स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं मिला पटना कलम का तो मैंने क्या किया राज्यसभा टीवी को रेफ़र किया राज्यसभा टीवी को रेफ़र करके पटना कलम के नोट्स बनाए एंड राज्यसभा टीवी पर ही हीतिक नहीं रहना है आपको बाकी सारे रिस, रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करते रहना है जहाँ भी आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ अच्छा मिल जाए आप उस नोट्स में ऐड करते चले जाएँ एक और बात ध्यान में रखनी है हिस्ट्री में आपको करंट से ज़रूर जोड़ना है ख़ासकर कंक्लूजन में तो करंट से जोड़ने के लिए मैं करंट अफेयर में जब आऊँगी तो आप एक मैगजीन आप करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन तो पढ़ेंगे ही तो आप वहाँ से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर की चीजें हो रही हैं कुछ रैंक हो गया कोई डेवलपमेंट हो गई आप उसको हिस्ट्री का कंक्लूजन पार्ट में जरूर जोड़ें इससे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अपडेटेड हो जाता है और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं डी स्टेट पीसीएस अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डी स्टेट पीसीएस यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड हिस्ट्री uh, में रिसोर्सेज मैं uh, uh, बता नहीं पाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री के रिसोर्सेज बहुत डाइवर्स थे कुछ uh, बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप मिल जाते हैं कुछ uh, आपको डी डी न्यूज से मिल जाते हैं कुछ राज्यसभा टीवी से मिल जाते हैं देन आपको सबसे पहले नॉलेज के अलावा नॉलेज के अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करना है करंट अफेयर के लिए आपको एक किसी भी कोचिंग का मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है विजन आई कर सकते हैं दृष्टि आई कर सकते हैं इनसाइट्स कर सकते हैं किसी भी एक मैगज़ीन पे स्टिक टू रहिए एक साल तक फॉलो करिए एंड ये सिर्फ करंट आयर पर लिमिट नहीं रहेगा इसके आपको जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा आपको ये चीज़ जोग्राफ़ी में भी हेल्प करेगा फॉर एग्जाम्पल मैंने करंट में पढ़ा कि एक अंटार्कटिक ओशन में एक एक, 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 एक ग्लेशियर पिघल गया तो वो ग्लेशियर या फिर एक करंट अफेयर मैंने पढ़ा एक न्यू एक नया जी लैंडिया फाउंड हो गया तो ये मुझे जियोग्राफी में भी मार्क्स वेचअप करने में हेल्प करेगा तो आप करंट अफेयर की तैयारी करने टाइम ये ना सोचें कि आप सिर्फ करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं आप पूरी होलिस्टिक बी पी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर हो गया इसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए आप इसके लिए आपको होलिस्टिक प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है आपको सिलेक्शन लेने में और सबसे अच्छी चीज़ कि हाँ ये बहत्तर में से बहत्तर नंबर आप ला सकते हैं स्टेटिस्टिक क्योंकि ये मैथमेटिकल टाइप सब्जेक्ट है तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अब आ जाते हैं जी एस टू पर जी एस टू में भी अगेन तीन सेक्शन होते हैं पहला पॉलिटी का सेक्शन दूसरा इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी का तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत रेफर करें एंड एन आर रेफर करें एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आपको किसी भी बुक को थार स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी लेकिन मे मैंने बस एक साल तैयारी की है तो मैं ये बता सकती हूँ कि आपको किसी भी बुक को थार स्टडी करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप प्रीवियसर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि गवर्नर गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं आपको गवर्नर से रिलेटेड जो भी अच्छी बातें लग रही हैं एन सी में लिख रही हैं आप गवर्नर वाले नोट्स में ऐड करिए लक्ष्मीकांत में दिख रही हैं आप उसमें ऐड करिए तो आपको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत नहीं है पॉलिटी के बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी पर इकोनॉमिक जोग्राफ़ी के लिए आपने जो करंट आयर के करंट आयर के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा है इकोनॉमिक बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं सबसे आपको कुछ बातें हैं जो मार्क्स फचअप करने में हेल्प करेंगी जैसे कि आपको एच याद होनी चाहिए अगर आप एस बी करते हैं रैंक्स मैंसन कर सक करते हैं एच में जो एक पेज में रैंक्स होते हैं अगर आप वो मैंशन करते हैं तो इससे आपका आंसर राइटिंग में ये चीज़ मार्क्स फचअप करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक जियोग्राफी के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायग्राम्स बहुत रोल प्ले करता है तो आप डायग्राम ज़्यादा ज़्यादा बनाएं एंड डायग्राम्स की हेल्प से आप आंसर को की वेजिबिलिटी बढ़ाएं एक बात मैं बताना चाहूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करने टाइम मैंने एक चैलेंज फेस किया मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहे थे मैं कहाँ से तैयारी करूँ तो मैंने क्या किया जो भी मैगजीन आ रही हैं योजना मैगजीन आती है कुरुक्षेत्रा मैगजीन आती है तो और विजन आई के या फिर दृष्टि आई के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन होता है तो मैंने ये सब की ये सब इन शब की हेल्प से नोट्स बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो आपको पता चलेगा साइंस एंड टेक नहीं एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है तो आप नोट्स बनाएं एंड uh, एक uh, मैं नोट्स मेकिंग के बारे में बताना चाहूँगी इकोनॉमिक जोग्राफी में फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन uh, आ रहा है अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे नोट्स बनाने हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखें या तो वो यूएन का हो सकता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो वहाँ से आप डेफिनेशन लिखें एक रैंक लिखें एंड अनएम्प्लॉयमेंट uh, से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं वो सारे डायमेंशन आप एक पेज के नोट्स में लिख लें सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है आपको वो पॉइंट्स लिख लें और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख लें आपको सिर्फ़ वो पेज रिवाइज़ करना है और आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं तो आपका एक फाइल बनेगा और आप मेन्स में सिर्फ वो फाइल रिवाइज़ करें और आंसर प्रैक्टिस करें ये थी मेरी एक साल की बी की स्ट्रैटी मैं आशा करती हूँ ये आप लोगों को के काम आएगी एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट